आए यहाँ पे, खान साहब अभी आपको बोले ये चमन बन गया, तो चमन के दौरे में अपन और आगे बढ़ते सोचने का चीज़ दो तीन है। हर आदमी में जब एक लफ्ज बोले किस तरीके से हज़ारों लोगों को फ़ायदा होता, क्या कर सकते अपन कल के लिए। हुकूमत में आए तो सिर्फ अपने के लिए या अपने घर वालों के लिए नहीं, मगर सारे आम के लिए कुछ ना कुछ काम करना बोल के एक फीलिंग हर एक में रहना चाहिए। सो पवन कल्याण जी के बारे में मैं इतना ही बोल सकता हूँ, हिम्मत से, ईमानदारी से, सोच सोच के एक एक लफ्ज़ उन्होंने चुन के बात करते। तो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए जो जनसेना पार्टी में हम मैनिफेस्टो किए, सचार कमेटी के रिकमेंडेशंस, आपके जो पढ़ाई के बारे में जो सोच है, अपने बच्चियों के लिए और ऊपर बढ़ाने के लिए उनके लिए क्या कर सकते, और कुछ कामा और करना चाहिए तो ज़रूर आप अपने पार्टी के जो भी लीडर्स हैं उनको आप उसका इन्फॉर्मेशन दीजिए, ज़रूर हम करेंगे। मगर एक चीज़ आप याद रखिए, हुकूमत में आने से पहले ये जगनमोहन रेड्डी साहब क्या बोले, हुकूमत में आने के बाद क्या किए, जो शादी दुल्हन प्रोग्राम हो सकता, पेंशन्स हो सकते, नहीं तो कब्रस्तानों के बारे में जो बोले, कितने ईदगाह आज तक वो लोग डेवलप किए बताइए आप, कितने उर्दू स्कूल्स मिटा दिए आज के दिन। हर म्यूनसिपाल्टी में वो हक था आपका, हर एक को 5 या 6 क्लास तक पढ़ाने का हक था आपके बच्चों के लिए, मगर आज के दिन उर्दू स्कूल्स कहीं भी नहीं है म्यूनसिपाल्टीज में। 100% करेक्ट बोले हो जनाब कि वो आज के दिन सिर्फ डंपिंग यार्ड बन गया वो वहाँ पे। मैं भी परसों बोलता हैदराबादी, परसों तेनाली में मैं जब फिर रहा था, एक उर्दू स्कूल मेरे बहुत याद है, वहाँ जाके देखे तो ये जो चत्ता के लिए जो गाड़ियाँ खरीदे लोग पार्किंग लगा लिया उसको। सो हुकूमत में जो भी है सोच समझ के आगे चलना चाहिए। और मोइन खान साहब जब जो बोले, मैं आपको खुली बात बोल रहा हूँ, पवन कल्याण जी हर मीटिंग में, जितने भी बड़े आदमी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, या लोकल किसी के साथ बात करे भी, तो उन्होंने एक ही बात बोले, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए मैं उनके तरफ से मैं खड़ा रहता हूँ, मैं लड़ता हूँ उनके तरफ से। आप जितने भी आप प्रोग्राम्स कर लो, मगर इस देश में वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए हम साथ देना, उनको भी साथ ले चलना। तो उनको भी जो भी काम कर रहे हैं अपन हुकूमत की तरफ से, उनको भी हर एक के लिए वो पहुंचने के लिए एक अच्छी तरीके से, ये करप्शन, ये जो लैंड ग्रैबिंग जो चल रहा है, ये जो स्कूलों को ले लेके उन खुद के लिए पूरा बदल दिए, वो सब मिटा देना चाहिए। आपके लिए एक अच्छे आदमी आपके सामने आए, आप किसी हालत में सोचिए आप, क्योंकि जो हमारे पार्टी में सीनियर मोस्ट लीडर है आज के दिन अरम खान साहब, उनको पॉलिट ब्यूरो में उनको लगाए, तो सोचना।